पवन सिंह अपनी फिल्म के हीरोइनों को कुछ कह दे और वो मना कर दे, ऐसा आज तक नहीं हुआ है और न किसी ने ये डेयर किया है। लेकिन भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हीरोइन ऐसी है जो पवन सिंह का कहा सिरे से नकार सकती है। अब आप ये कहेंगी, वो हीरोइन तो अक्षरा सिंह होंगी। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, फिर आप कहेंगे आम्रपाली या फिर काजल राघवानी, क्योंकि पवन की जोड़ी अक्षरा के बाद काजल राघवानी के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की गई है और लोग उन्हें आइटम सॉन्ग में भाई आम्रपाली के साथ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इन तीनों को छोड़कर भोजपुरी की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें भोजपुरी की सबसे स्टाइलिश और एडोरेबल एक्ट्रेस भी कहा जाता है और उनकी जोड़ी भाई सभी के साथ जम जाती है, फिर वो चाहे खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो। लेकिन इनकी डेयर की बात माननी पड़ेगी। चलिए बात को ज़्यादा नहीं खींचते, बताते ये हीरोइन कोई और नहीं मधु शर्मा है, और ये भी बताते हैं इन्होंने पवन सिंह की किस बात से इनकार किया है। तो आपको बता दें, पवन सिंह का एक सिग्नेचर स्टेप है। आपने देखा होगा कि पवन सिंह हमेशा हीरोइनों के नेवल पर अपनी उंगली के साथ जो करामात करते हैं वो सभी को पता है। अब ये नेवल वाला जो पार्ट है मधु शर्मा को बड़ा ही अजीब लगता था। जब पवन सिंह के साथ उन्होंने फिल्म की आउटडोर शूटिंग थी भाई, उस शूटिंग में गाना फिल्माया गया था, उस गाने में पवन सिंह ने मधु शर्मा से ये कहा कि ये सिग्नेचर स्टेप मैं सभी के साथ करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। तब मधु शर्मा को बहुत ही ऑड लगा। उन्होंने कहा, ये सिग्नेचर स्टेप आप भले ही सभी भोजपुरी हीरोइनों के साथ करते हों, लेकिन ये सिग्नेचर स्टेप आप मेरे साथ बिल्कुल मत कीजिए। पवन सिंह ने मधु शर्मा को लाख समझाया। पवन सिंह ने ये कहा कि ये मेरा सिग्नेचर स्टेप है, इसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, ये कोई वल्गर नहीं है। लेकिन मधु शर्मा ने कहा, भले ही ये आपको वल्गर न लग रहा हो, आपके फैंस को वल्गर न लग रहा हो, लेकिन मुझे वल्गर लग रहा है और मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है। इसके बदले आप मुझसे कोई और अपना स्टेप करवा लीजिए, वो चलेगा, लेकिन मैं ये नेवल वाला सिग्नेचर स्टेप आपका बिल्कुल नहीं करूँगी। वैसे आपने ध्यान दिया होगा, छलकत बा हमरो जवनिया ए राजा गाना और रात दिया बिता के पिया क्या क्या किया, यानी कि आम्रपाली का गाना, ये दोनों गाना स्टार्ट पवन सिंह के इसी सिग्नेचर स्टेप से होता है। अब भाई, पवन सिंह ने मधु शर्मा को लाख मनाया, मधु शर्मा नहीं मानी। फिर पवन सिंह के कोरियोग्राफर आए और मधु शर्मा को समझाया। अब भाई, कोरियोग्राफर के समझाने पर भी मधु शर्मा नहीं मानी। तब जाके थक हार कर भाई पवन सिंह ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा, अगर आपको ये स्टेप नहीं पसंद है तो आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके साथ अपना ये सिग्नेचर स्टेप कभी नहीं दोहराऊँगा, किसी फिल्म में नहीं दोहराऊँगा, और अब हम आपके साथ कोई और स्टेप भले कर लेंगे लेकिन ये स्टेप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये होती है अपनी बात मनवाने की कला, यानी कि जो चीज़ हमें नहीं पसंद है तो भाई वो चाहे भोजपुरी का बड़ा स्टार हो या फिर रनिंग स्टार हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर रूलिंग स्टार हो, अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो अपनी बात दमखम से रखनी आनी चाहिए, जिस तरह मधु शर्मा को रखने आए। खैर, आपको बता दें, मधु शर्मा ये सब मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो नहीं चाहती कि उनके जो दर्शक हैं, उनके जो फैंस हैं, उनको वो निराश करें। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।